हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डार्क एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10th के बाद पीसीबी स्ट्रीम चूज करने पर आपके पास सिर्फ एक ही बेस्ट ऑप्शन बचता है, वो है एमबीबीएस कर डॉक्टर बनना, और अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस करने के अलावा भी बायो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो डॉक्टर बनना ही एक अकेला ऑप्शन नहीं है आफ्टर चूजिंग बायो एज योर स्ट्रीम, देर आर अदर गुड ऑप्शंस एज वेल, और आज मैं आपको वही सारे ऑप्शंस बताने आया हूँ दैट व्हाट एल्स कैन यू डू एक्सेप्ट फॉर नीट। सो आई हैव डिवाइडेड द ऑप्शंस अवेलेबल इनटू टू सेक्शंस। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि वो कोर्सेज जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर आप एनरोल कर सकते हैं, और दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि ऐसे कोर्सेज जहां पर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो सिट विद अ कप ऑफ कैफीन विद डॉक्टर डार एंड कीप समथिंग फॉर नोटिंग डाउन एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो उसी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो इंडिया में एक्चुअल में सबसे ज्यादा हाई डिमांड पर चलता है, और हमारा माइंडसेट भी वैसे ही बना होता है कि बायो लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। तो इंडिया में आप सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद ही डॉक्टर नहीं बन सकते, और भी बहुत सारी मेडिकल साइंसेज हैं जो इंडिया में फॉलो की जाती हैं और बहुत खतरनाक तरीके से फ्लरिश भी कर रही हैं। तो एमबीबीएस एंड बीडीएस एलोपैथिक मेडिकल साइंस के अंदर आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी मेडिकल साइंसेज हैं जो इंडिया में फॉलो की जाती हैं, जैसे आयुर्वेदा मेडिकल साइंस, यूनानी मेडिकल साइंस, होम्योपैथी मेडिकल साइंस, और ये सारी की सारी मेडिकल साइंसेज इंडिया में आयुष स्कीम के अंदर आती हैं, जिसमें योगा एंड नेचुरोपैथी भी इंक्लूड की गई है, लेकिन योगा एंड नेचुरोपैथिक साइंस को जो फॉलो करते हैं उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कहा जाता है अभी तक, लेकिन बाकी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा में आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का टैग मिलता है, और जैसे एमबीबीएस कॉलेजेस होते हैं ऐसे बीएमएस के भी कॉलेजेस होते हैं, तो आप एक बीएमएस डॉक्टर भी बनते हैं और उनको भी ऑलमोस्ट सेम पे स्केल मिलता है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आयुर्वेदिक डॉक्टर लगते हैं तो। सो अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो आप डेफिनेटली ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट के थ्रू जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, जानवरों को प्यार बांटिए। इस साल AIPVT मई में हुआ था, तो इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते। बाकी और स्टेट्स अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते हैं, तो जाकर देख लेना अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा डेट मिल सकती है। सेकेंड ऑप्शन विच इंक्लूड्स एंट्रेंस टेस्ट इज नर्सिंग। नाउ एज वी हियर ऑफ नर्सेज, जो पहली चीज़ दिमाग में आती है कि ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि जो एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम है वो लड़कियों के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो इंडिया में माइंडसेट भी वैसा ही है कि लड़कियां ही सिर्फ नर्सेज होती हैं, और कुछ टेस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं। तो अगर इंडिया में नर्सिंग करनी है देन यू कैन गो फॉर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, और हर स्टेट के अलग अलग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अनदर एग्जाम फॉर द सेम प्रोफेशन यूज टू बी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसे MNS एग्जाम के नाम से जाना जाता था, बट अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट्स दे आर ओनली कंसिडरिंग नीट स्कोर्स नाउ। बट पहले ये एक सेपरेट एग्जाम होता था फॉलोड बाय एन इंटरव्यू एंड अ मेडिकल चेकअप, एंड दिस एग्जाम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एज दिस इज योर गेटवे टू द आर्मी एंड यू विल गेट टू एंजॉय द पर्क्स एंड बेनिफिट्स लाइक अदर आर्मी पर्सनल्स, लाइक यू विल गेट अ रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, जनरल एक्सेट्रा, and you get to wear a proper uniform with stars shining on your shoulder. So the third option in this section is a pharmacist. और आप नीट के थ्रू और विदाउट नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो आप बी फार्मा या डी फार्मा में एनरोल कर अपने आप को एज अ फार्मासिस्ट बना सकते हैं, और आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं किसी हॉस्पिटल से एसोसिएट कर, या फिर आप एज अ जनरल मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। अगर आपने डी फार्मा भी किया हुआ है तो आपके पास लाइसेंस आ जाएगा एज अ मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर, एंड इन दिस वे यू कैन मेक अ लॉट ऑफ बक्स इफ यू ओन अ मेडिकल स्टोर। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है मेडिसिन पर, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन एज वेल। देन कम्स द पैरामेडिकल कोर्सेज, और ये कोर्स ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। These peoples are the backbone of the hospital. इनके बिना कोई भी hospital run नहीं कर सकता है, and they are very well versed with their skills. X-rays, CT scans, ultrasound, ये सारी की सारी field में paramedical staff का बहुत ज़्यादा important role आता है. They play with machines and instruments and help us treat the patient in best possible way. तो इसके लिए एक एग्जाम है जो ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, दैट इज एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट और PGI पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, और इसके अलावा हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। एम्स वाला एग्जाम 25 जून को हो गया है और PGI वाला 5 अगस्त को। बाकी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कब अवेलेबिलिटी है डेट्स की। तो लास्ट ऑप्शन जो मैं इस सेगमेंट में कवर करना चाहूंगा वो है एग्रीकल्चरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट। सो आफ्टर 12th इफ यू हैव इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड यू लव प्लांट्स देन देयर आर सेवरल ऑप्शंस फॉर यू, जिससे कि तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। सो यू कैन परस्यू योर BSc इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड फर्दर अकॉर्डिंगली। अलग अलग स्टेट्स में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट और कोर्सेज की डेट्स रखी जाती है,
तो आपके हिसाब से जो जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने कौन से कोर्स में अवेल करना है और आपने कौन सी डेट्स को वो टेस्ट देने हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां पर आपको किसी एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉलेज में जाइए और आपका एडमिशन हो जाता है। कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ साइंस इज ओपन इन मैक्सिमम कॉलेजेस, यू जस्ट नीड योर 12th के मार्क्स एंड यू आर गुड टू गो। तो मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बीएससी में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्चुअल में टेस्ट लेती हैं। और इसके अलावा भी जो कोर्सेज जिनके बारे में पहले बता चुका हूं, जैसे कि बीएससी, बी फार्मा, डी फार्मा या फिर एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो इसके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस जो है, मैक्सिमम क्या, ऑल ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस जो है बिना एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा ऑप्शन है टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, और इसके लिए बस तुम्हें बैचलर ऑफ साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। और फर्दर अपना काम सेटअप करने के लिए या तो फिर किसी हॉस्पिटल से अटैच होना पड़ेगा या फिर अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा। सॉरी, ये क्लिनिक सेटअप नहीं कर सकते हैं, अपना सेंटर सेटअप कर सकते हैं जहां पर आप अपनी थेरेपीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी आप दे रहे हैं। जैसा कि डे बाई डे हम देख रहे हैं कि मेंटल इलनेस कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक्चुअल में लोग समझने भी लगे हैं कि ये एक रियल डिजीज़ है, फिजिकल इलनेस से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये मेंटल इलनेस, इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्योर नहीं होती है तो अगर आप फिजिकली फिट भी हैं तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा फील्ड है जो ग्रो कर रहा है, इमर्ज कर रहा है और लोग समझ भी रहे हैं, तो इसमें काफ़ी स्कोप है। अगर आप इस चीज़ में अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके डेफिनेटली आप एक अच्छा होल्ड बना सकते हैं, क्योंकि आप पायनियर होंगे इस फील्ड में जो अभी चल रहा है। ऐसा ही एक और हाईली इमर्जिंग फील्ड है फिजियोथेरेपी। So if you are okay with giving care to the chronically ill patients and who are not responding to medicine, then this field is for you. Or if you wish to join your favorite sports person as a sports physiotherapist, इसके लिए बस तुम्हें 12th के बाद bachelor of physiotherapy करनी पड़ेगी और master of physiotherapy करने के बाद you are a certified physiotherapist. तो अगर तुम scenarios देखोगे तो हर चीज़ का एक boom आता है, जैसे बहुत साल पहले industrialization का boom था, फिर उसके बाद IT sector boom किया, अभी इस time पर health industry boom पर जाने वाली है। क्यों? क्योंकि actual में लोग health conscious हो चुके हैं, लोगों को समझ आने लगा है कि health कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी टास्क करने के लिए। अगर तुम हेल्दी नहीं हो तो तुम कोई भी टास्क परस्यू नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा आउटकम है वो भी लो हो जाए। सो डाइटिशियन इज ऑल्सो एन इमर्जिंग फील्ड इन दिस एरा। डाइटिशियन बनने के लिए यू हैव टू डू बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड देन यू हैव टू परस्यू योर मास्टर्स डिग्री एंड देन यू कैन सिट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर डाइटिशियन एंड देन यू विल बी सर्टिफाइड बाय आईडीए टू वर्क एज अ डाइटिशियन इन इंडिया। और अगर तुम्हें 12th करते वक्त ये रियलाइज हो गया कि साइंस तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तो तुम डेफिनेटली किसी भी वक्त अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो। आराम से अपने रिजल्ट के बाद सोच विचार कर आर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट बनाकर बीए भी कर सकते हो और अपनी लाइफ चैन से गुजार सकते हो। इसके बाद बस कॉलेज में जाओ, अपना ध्यान एकत्रित करो और जिस चीज को तुम लाइफ टाइम कर सकते हो, जिस चीज में तुम्हें एक्चुअल में मजा आता है करने का, वो पैशन तराशो अपना और उस चीज पे काम करो। और इसके बाद भी ऑप्शंस खत्म नहीं होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सिस्टम्स तुम्हारे पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने के लिए बने ही नहीं हैं, तो अपना सिस्टम तराशो जहां पर एक्चुअल में तुम अपने आप को पहचान सकते हो, अपने पोटेंशियल्स को तुम बाहर ला सकते हो और उससे कुछ बड़ा कर सकते हो। तो रुकना तो नहीं है बिल्कुल भी, ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी डॉक्टर बन के ही तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा काम कर सकते थे या फिर अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकते थे, ऐसा नहीं है। तुम और भी बहुत सारे काम हैं जो तुम्हें एक्चुअल में तुम जिसमें बेस्ट हो या तुम जिसमें बेस्ट हो सकते थे, तो वो चीज़ों पर फोकस करो कि क्या तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तुम मेहनत कर जिन स्किल्स को डेवलप कर कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हो जो एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करे और तुम्हारी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करे। सो इस वीडियो में मैं किसी भी पॉइंट्स के बारे में डिटेल्ड आपको एनालिसिस नहीं कर बता पाया, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती। और अगर आपको एक्चुअल में किसी पॉइंट के बारे में, किसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ओवर दैट टॉपिक ऑल्सो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्टडी।